ये रहा इसका पानी का लेवल, यहाँ तक पानी है, हमने यहाँ तक फिल किया था, यहाँ तक तो ऊपर फुल नहीं था, यहाँ तक था, अब इसे खाली करने लगे हैं। ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ये पूरा टैंक है, पानी का टैंक। और ये लगा इसका ऊपर, अब सारे लगी हुई हैं यहाँ तक, पानी रख बर्फ़ रख के बर्फ़ के साथ घुल के ना, तो बर्फ़ से ठंडा कर देगी, और फिर यहाँ से नीचे से, और फिर क्या कहते हैं कूलिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अकेला ये इस वक्त पानी इतना ठंडा नहीं है, काफ़ी ठंडा हुआ अपना। तो सर पंखे का कमाल है, सुबह जब देखा था ना, जब चलाया था तभी काफ़ी गर्म था। अब ये रहा इसका पानी निकालने का सिस्टम, ये देखें पानी का लेवल नीचे जा रहा है कितने स्पीड से, और ये नीचे को आ रहा है। हमें ना इस वक्त पानी की ज़रूरत है यहाँ पे फर्श पे लगाने के लिए, तो उसके लिए अभी हमें पानी को यहाँ पे ज़ाया करने की ज़रूरत है। जब ये फर्श की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी ना, उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बर्तन वगैरह रख लेंगे, उसमें पानी ने डेला और डेल के बाहर फेंक दिया, और उसके बाद दोबारा फिर पानी यहाँ से दोबारा फिर इसके अंदर डाल दिया। अब ये देखें ये सारा ऐसी है, यहाँ पे दो अक्षर हैं, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक, यहाँ से हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपको पूरा व्यू नजर आए। और ये अब इशारे शुरू हो गई, आवाज इतारियाँ सारे जनाब तारियाँ, ये सारा पानी पानी वगैरह सारा फुल हो गया इसके अंदर से, ये सारी चीज़ें गिली हो गई हैं, तो क्या कहते हैं मुझे बताएं, ये गिली हो गई मेरे साथ। अब पानी डाला था हमने नया और ताज़ा, तो ये देखें यहाँ थोड़ी सी नमी आई यहाँ तक, तो इसका मतलब यह है यहाँ तक इसकी पानी की तह है, अभी भी इतनी कैपेसिटी अभी मौजूद है इस हिसाब से। यहाँ पर टैंक, यहाँ तक टैंक है, उसके ऊपर का यह सारा पंखा ऊपर, तो फिर भी अभी फुल नहीं है टैंक, ठंडा भी है, क्योंकि अगर ठंडा ना होता ये नमी नहीं आने दी, पहले नमी ही नहीं थी क्योंकि पानी रात का था कल का था। तो बस आपको यही दिखाना था कि हमने टैंक कितना बढ़ दिया है, और ये इसने सिस्टम बताया गया है, ये जो जिस टैंक पे है ना, पता नहीं ना क्या कहते हैं, मुझे ये नहीं पता, तो ये सिस्टम है, यहाँ से बाहर से आती है गर्म हवा, इससे टकरा के क्योंकि पानी होता है, पानी में थोड़ी ठंडक होती है पानी की वजह से, तो ये ठंडी हवा फिर अंदर जाती है, और एग्जॉस्ट ये जो पंखा है बड़ा है, इसे एग्जॉस्ट ये हमें भी बाहर फेंक देता है। ये है इसका बुनियादी और बेसिक सिस्टम, बिल्कुल जेट की तरह चल रहा है, मार्केटिंग पाकिस्तानी भी हाई लेवल होती है हमेशा, ये इसलिए लगाई है, ये जो है ना नीचे वाले ये बार बार नीचे आ रहे थे, तो हवा का इसमें था सही से हवा बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो इसको रोकने के लिए हमने इससे बांध दिया, इसे जोड़ दिया इलेक्ट्रिकल टेप पे, ताकि ये दोबारा फिर वापस नीचे बना जाए। अब ये देखें ये फुल नीचे है इसके प्रेशर की वजह से, उसने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है, अगर वो वहाँ पे जोर ना दे रही होती है फिर दोबारा फिर फुल नीचे, तो हमें इसकी सेक्रीफाइस की, इसकी हमने कुर्बानी दी ताकि ये ऊपर रहे, रमजान का कुर्बानी का आया हला है,
गरीब भी कुर्बानी भी। मुझे स्कूल पंखे को लेने का मकसद क्या था, क्यों लिया, वजह क्या थी और क्यों? आपको पता होगा कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का क्या हाल चाल है। वो हम एक बड़ा एसी तो कहीं दूर की बात, तो हम कोई चीप अल्टरनेटिव ढूंढना चाहते थे क्योंकि बिजली घंटा दो घंटा के लिए गई तो मसला रहता था और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, हवस भी थी। तो बाहर आने जाने यानी घर से बाहर जाना, हवेली में वहाँ पे बैठना, अगर गर्मी ज़्यादा हो तो ये देखें चलेगी कि नहीं, ये अब ये चल रहा है, ये चलेगी है। तो इसका ये प्रॉब्लम है कि अगर छाँव आ जाए तो ये सोलर बंद हो जाता है, साया आ जाए तो ये बंद हो जाता है। तो अगर धूप सही हो, अच्छी हो, आ रही हो तो फिर इसको कोई मसला नहीं, फिर ठंडी हवा देता रहेगा। और इसमें है 60 लीटर, इसका टैंक है 60 लीटर का, तो वो बहुत मसला है पानी को 60 लीटर निकालना और 60 लीटर दोबारा फिर डालना तो आसान है, लेकिन जब निकालते हैं ना तो नीचे से जो फर्श होता है वो सारा गीला हो जाता है। तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। एक आइडिया ये है कि ऊपर जो बर्फ़ का कंपार्टमेंट है उसमें जाकर बर्फ़ रख दिया करें तो नीचे पानी को चेंज ना किया करें, उसको 3-4 दिन बाद चेंज कर दिया करें। ये जो पंखा ये है 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का जो प्लेट है वो 18.5 वोल्ट की, तो उस हिसाब से जो सोलर प्लेट है वो काफ़ी हैवी किस्म की है, इससे तो काफ़ी ज़्यादा, इससे ज़रूरत से भी ज़्यादा है, वो तो उससे इससे ख़त्म नहीं होती। अब सिर्फ प्लेट है और ये फ़ैन है तो उस हिसाब से रात को, अगर रात को मसला रहता है क्योंकि रात में चलना नहीं होता, ना सूरज होगा ना ये सोलर प्लेट चलेगी, तो फिर हम बनाएंगे सोलर फैन को अपग्रेड वीडियो। तो जनाब, तो ये वीडियो आज की यहाँ तक थी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर किया करें क्योंकि इसी से हमें सपोर्ट मिलेगी। सब्सक्राइब लाजमी किया करें। थैंक यू।